एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। सलमान खान की फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं इमरान हाशमी। जी हां, आपने सही सुना, जल्द ही सलमान खान को बड़े पर्दे पर इमरान हाशमी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब ये कौन सी फिल्म है और कब बनेगी, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल इस फिल्म में विलन कौन होगा, इसे लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। रिपोर्ट्स की माने तो यशराज फिल्म्स विलन के लिए एक डिफरेंट चेहरे की तलाश में है, जैसा कि उन्होंने टाइगर जिंदा है में किया था सज्जाद डेलाफ्रूज को लेकर। इस बीच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिल्म में विलन के रोल के लिए इमरान हाशमी को फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ, इमरान हाशमी इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्स की माने तो यशराज फिल्म्स को लगता है इमरान इस रोल में फिट होंगे। वो एक इंटेंस एक्टर हैं और रोल के लिए ये क्वालिटी परफेक्ट है। अब इमरान फिल्म में होंगे या फिर नहीं, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन जब से ये खबरें सामने आई हैं, फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। खबरें हैं कि फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल मुंबई में शुरू होगा। ये फिल्म मार्च 2021 को थर्ड वीक में फ्लोर पर जाएगी। इमरान भी मार्च से ही इस फिल्म को ज्वाइन करेंगे। पहला शेड्यूल YRF में शूट होगा, जहां इमरान, कटरीना और सलमान कुछ मिनटों का सीन शूट करेंगे। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो वो मिडल ईस्ट में शूट किया जाएगा और तीसरा और फाइनल शेड्यूल मुंबई में। आपको बता दें, टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था एक था टाइगर। सलमान खान और कटरीना कैफ इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और इसने 320 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके बाद 2017 में फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हुई थी, जिसमें एक बार फिर से हमें सलमान और कटरीना की जोड़ी नजर आई थी। सलमान और कटरीना इससे पहले फिल्म युवराज, पार्टनर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और भारत में लीड रोल निभाया है। वहीं अगर इमरान हाशमी ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी तो वो सलमान खान के साथ पहली बार किसी फिल्म में दिखाई देंगे। पर क्या आप सलमान खान और इमरान हाशमी को एक साथ एक फिल्म में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।